नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोवा में घूमने के लिए बेस्ट पैलेसेस, बेस्ट बीचेस कौन कौन से हैं। अगर आप इस बार गोवा घूमने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं गोवा की एक छोटी सी सैर पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम कैलंगुट बीच के बारे में। यह बीच नॉर्थ गोवा के सबसे पास में स्थित है, इस कारण इस बीच पर काफ़ी मात्रा में भीड़ रहती है। इस बीच पर आकर आप फोटोग्राफी का और सनसेट का भरपूर मज़ा ले सकते हो। यहाँ का सनसेट काफ़ी खूबसूरत होता है। नॉर्थ गोवा का ये सबसे बड़ा बीच है, इस कारण इसे क्यूनो बीचेज के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच के पास में बहुत सारे बियर बार और डांस बार स्थित है, जहाँ पर आप मस्ती कर सकते हो। यहाँ का शॉपिंग मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ से आप लोअर और टी शर्ट खरीद सकते हो। दोस्तों, इस बीच की विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, नेक्स्ट बीच है अश्विम बीच। नॉर्थ गोवा से यह बीच दूरी पर स्थित है, इस कारण यहाँ पर भीड़ कम रहती है। इस बीच पर ज़्यादातर फॉरेनर्स ही घूमने आते हैं। भीड़ कम होने के कारण यह एक शांत बीच है, जहाँ पर आकर आप सनबाथ, योगा, मसाज आदि का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इस बीच की खूबसूरती यहाँ पाए जाने वाले चट्टानों तथा समुद्र की उठने वाली लहरों के कारण दुगनी हो जाती है। इन चट्टानों पर आपको केकड़े भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस बीच की विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, गोवा का अगला बीच है अरांबोल बीच। नॉर्थ गोवा से दूरी पर होने के कारण इस बीच पर भीड़ बिल्कुल कम रहती है, इस कारण यह बीच फॉरेनर्स के बीच में खासा लोकप्रिय है। इस बीच पर आकर आप फिशिंग का भरपूर मज़ा ले सकते हो, साथ ही साथ सनबाथ, योगा, मसाज का भी भरपूर मज़ा उठा सकते हो। जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक़ है, उन लोगों के लिए तो इस बीच पर शानदार लोकेशंस है। इस बीच की खूबसूरत चट्टाने और इन पर उठने वाले खूबसूरत लहरें आपकी फ़ोटोग्राफी को चार चांद लगा देगी। इस बीच की विजिट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, गोवा का अगला खूबसूरत बीच है वेगेटोर बीच। इस बीच का जो आप ये व्यू देख रहे हो, ये एक ऊंची जगह से लिया गया है, इस कारण से आपको पूरा बीच दिखाई दे रहा है। और बीचों की तरह ये बीच भी काफ़ी खूबसूरत है। इस बीच पर आकर आप फोटोग्राफी का शानदार मज़ा ले सकते हो। देखिए, यहाँ फोटोग्राफी के लिए कितनी शानदार लोकेशन है। इस बीच की खास बात है यहाँ पाए जाने वाली बड़ी बड़ी चट्टाने और सनसेट। जब ये इस बीच पर सनसेट होता है तो वो एक अलग ही मज़ा प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस बीच पर आए तो सनसेट का मज़ा लेना ना भूलें और फोटोग्राफी का भी आनंद उठाएं। अगली खास बात है, इस बीच पर आकर आप वाटर स्पोर्ट्स का भी मज़ा ले सकते हो। जिन लोगों को बनाना राइड, स्कूटर राइड और बोटिंग का शौक है, वो आकर यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गोवा का अगला खूबसूरत बीच है अंजुना बीच। यह बीच सनसेट और नाइट पार्टीज के लिए फेमस है। दोस्तों, अगर आप गोवा आते हो तो इस बीच का सनसेट देखना ना भूलें, साथ ही साथ नाइट पार्टीज का भी भरपूर मज़ा लें। इस बीच के पास में बहुत सारे बियर बार और डांस बार स्थित है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए ये एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यहाँ का सनसेट देखना आपके लिए एक नया अनुभव होगा। दोस्तों, इस बीच की विजिट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, गोवा की एक और चीज़ फेमस है, वो है डॉल्फिन साइटिंग और मंकी बीच ट्रिप। यह ट्रिप पूरे दिन की होती है। इस ट्रिप में बोट पर आपके साथ 20 से 25 लोग होते हो, जिनके साथ आप मस्ती और एंजॉय कर सकते हो। इस ट्रिप के दौरान आप स्विमिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। इस ट्रिप के दौरान आप डॉल्फिन साइटिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस ट्रिप में आपको खाने के लिए स्नैक्स, चपाती, राइस, फ्रूट्स आदि दिए जाते हैं, तथा पीने के लिए बियर और ड्रिंकिंग वाटर भी दिया जाता है। इस ट्रिप के दौरान आप फिशिंग का भरपूर मज़ा ले सकते हो। जब आप खुद फिशिंग करोगे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होगा। दोस्तों, इस ट्रिप के दौरान फोटोग्राफी का मज़ा लेना ना भूलें। जब आप मंकी बीच पहुँचोगे तो वहाँ पर फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए शानदार लोकेशन है। तो दोस्तों, गोवा आते हो तो इस ट्रिप का मज़ा लेना ना भूलें। साथियों, गोवा का अगला बीच है बागा बीच। इस बीच पर आकर आप वाटर स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। यह बीच नॉर्थ गोवा के बिल्कुल पास ही में स्थित है, इस कारण इस बीच पर काफ़ी भीड़ रहती है। इस बीच के आसपास रहने की अच्छी सुविधाएँ मिल जाएगी। इस बीच के पास में बहुत सारे बियर बार, डांस बार, नाइट क्लब्स स्थित है। इस बीच पर आप कैंडल लाइट डिनर का भरपूर मज़ा ले सकते हो। जिन लोगों को नाइट पार्टीज का शौक है, उन लोगों के लिए ये बीच एक अच्छा ऑप्शन है। इस बीच पर आकर आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेना ना भूलें। दोस्तों, गोवा का अगला बीच है सिंक्योरियम बीच। यह बीच एगुडा फोर्ट के पास में ही स्थित है। इस बीच पर कई मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। यह बीच गोवा का सबसे शानदार, स्वच्छ और शांत बीच है। जिन लोगों को शांत प्रिय जगह चाहिए होती है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इस बीच पर आप बियर और भोजन का आनंद ले सकते हैं। इस बीच के आसपास बहुत सारे हॉलीडे विलेज रिसोर्ट्स अवेलेबल है। जिन लोगों को वाटर स्पोर्ट्स का शौक है, उनके लिए ये बीच एक अच्छा ऑप्शन है।
मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ, मुझे तो ये बीच गोवा का सबसे अच्छा बीच लगा है। तो प्लीज़ अगर आप गोवा जा रहे हो तो इस बीच पर एक बार ज़रूर जाएं और फोटोग्राफी का भरपूर आनंद उठाएं। दोस्तों, गोवा का अगला खूबसूरत बीच है केंडोलम बीच। यह बीच भी नॉर्थ गोवा के पास ही में स्थित है। इस बीच पर जाकर आप वाटर स्पोर्ट्स का भरपूर मज़ा ले सकते हो। इस बीच पर आप बनाना राइड, स्कूटर राइड तथा पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। जब आप खुद पैराग्लाइडिंग करोगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इस बीच पर पैराग्लाइडिंग जरूर करें और फोटोग्राफी का भरपूर मज़ा उठाएं। दोस्तों, गोवा की अगली फेमस और खूबसूरत जगह है दूधसागर वाटरफॉल। आपको याद होगा इसी जगह चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ का पानी दूध के समान सफ़ेद होता है, इसलिए इसे दूधसागर कहा जाता है। यहाँ की ट्रिप लगभग पूरे दिन की होती है। यहाँ आकर आप जंगल और वाटरफॉल की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। साथियों, अगली जगह है ओल्ड गोवा चर्च। ये चर्च बहुत ही खूबसूरत है और जो इसकी बनावट है वो शानदार है। अगर आप यहाँ आएंगे और इस चर्च को देखोगे तो आप भी वाह वाह कर उठोगे। तो दोस्तों, यहाँ की विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, ये है पंजिम चर्च जो कि पणजी शहर में स्थित है। यह चर्च कई हिंदी मूवीज में दिखाई जा चुकी है। यह चर्च दिलवाले मूवी में भी दिखाई गई थी। आप गोवा आए तो इस चर्च को देखना ना भूलें। दोस्तों, गोवा का अगला खूबसूरत बीच है डोनापोला बीच। इस बीच पर ही सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। इस बीच पर आकर आप शानदार फोटोग्राफी का आनंद उठा सकते हो। तो इस बीच की विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो फोर्ट देख रहे हो इसे एगुडा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी फोर्ट के पास में सिंक्वेरियम बीच स्थित है। इस जगह से आप समुद्र का शानदार नज़ारा देख सकते हो और फोटोग्राफी का आनंद उठा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको जहाज पर बैठने का शौक़ है और अगर आप गोवा आते हो तो शाम के समय क्रूज जर्नी का आनंद उठाना ना भूले। दोस्तों, गोवा की अगली फेमस जगह है मंगेशी टेम्पल जो कि 400 साल पुराना शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ की विजिट करना ना भूले। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा और आप जब गोवा आओ तो आप भी इस तरह की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।